वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जोन क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें हमने रेलेवेंट थ्योरीज की बात की थी, जिसमें से हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को कंप्लीट किया था। आज हम इसी का एक अपोजिट है, वो भी सेम लोग डेविड डुरान ने ही दिया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे सबसे पहले जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है फ्रेंड्स, ये इररिलेवेंट थ्योरीज में इंक्लूड होती है। इररिलेवेंट में क्यों आती है, ठीक है, उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरी सबसे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन बताया था, क्योंकि तभी ये सारे आपको लेक्चर समझ में आएंगे, बिकॉज सारे एक दूसरे से लिंकअप है। तो उसको जाके वीडियो को वॉच कर लीजिए, देन आफ्टर दैट आप इस वीडियो को देखिएगा। सो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है फ्रेंड्स, ठीक है। हम बात करने वाले किसकी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। क्या अजम्पशंस है यहाँ पे, डायग्राम कैसा बनता है और वैल्यू ऑफ फॉर्म पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके डायग्राम, क्योंकि फिर डायग्राम से ही सारे अजम्पशंस को आप फ्रेम कर सकते हो इजीली। तो डायग्राम को माइंड में जरूर रखना, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाले हैं बहुत ज्यादा। जितने भी अजम्पशंस आपके हैं वो सारे इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। सो पहले बात क्यों डायग्राम की करेंगे कि डायग्राम बनता कैसे है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहेंगे केडी बनता है, केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट, देन आपका के होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और के ही होता है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस वाले डायग्राम में अब ध्यान से देखना, जो हमने इसके पहले डायग्राम बनाया था नेट इनकम अप्रोच में, उसमें हमारा के ओ जो है ना फ्रेंड्स, वो फॉल करता था, डिक्लाइन करता था। क्यों करता था, रीजन मैंने बताए थे कि जैसे जैसे आपका के डी इंक्रीज होगा आपका के ओ डिक्लाइन करता है। बट आपका वहां पे वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होता था फ्रेंड्स, मैक्सिमम होता था। बट यहाँ पे भी हम देखेंगे, अब ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं हम, कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, आपकी बुक में एक चैप्टर्स के रूप में इंक्लूड है, और साथ में आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कहाँ से आप फंड्स ले, मतलब कितने प्रपोर्शन डेट का रखे, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का। सो ये आपको बहुत ज्यादा वहां पे हेल्प करते हैं। सबसे पहले अजम्पशन की बात कर लेते हैं। अजम्पशन में क्या क्या है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको आप बोलते हो, ये वाला पॉइंट इसको ध्यान दीजिएगा। ये वाला आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहता है। केडी भी आपका क्या रहता है, कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजिंग रहता है, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे तो भाई जीरो था केडी, अभी हमने कोई भी डेट नहीं लिया, बट धीरे धीरे कंपनी या फर्म जो भी होते हैं वो लोन लेना स्टार्ट कर देती है। उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कहा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका नोन होगा प्लस कॉन्स्टेंट होगा। सेम ऐसे ही आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट होने वाला है वो भी नोन है एंड कॉन्स्टेंट है। बट एक सिचुएशन है यहाँ पे कि जैसे जैसे आप केडी बढ़ाओगे, केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट, जैसे जैसे आप कंपनी में डेट ज्यादा लेके आओगे, आपके शेयर होल्डर्स का रिस्क क्या है वो बढ़ता रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना वो इंक्रीजिंग में है। क्यों इंक्रीजिंग में है, रीजन मैंने बताया कि जैसे जैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट लेके आओगे, अब एक बार ध्यान से अज्यूम करना ध्यान से कि कोई फर्म है उसमें जो डेट का अमाउंट है वो ज्यादा प्रपोर्शन में आ रहा है। सो सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाती है, शेयर होल्डर्स की जो मान लीजिए शेयर होल्डर्स है आपके, इनको लगेगा कि कंपनी अब डिपेंड हो रही है ज्यादा किस पे, डेट पे। और ज्यादा अगर वो डिपेंड हो जाएगी डेट पे और मान लीजिए लॉस होने लगा उसको, तो वो कहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पे करेगी। इसीलिए आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डेविड डुरान कहते हैं कि जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ाओगे फर्म में, अगर आप फर्म में ज्यादा डेट लेके आओगे तो साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, जो शेयर होल्डर्स है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है शेयर होल्डर्स जहाँ पे हम बात करते हैं, उनका जो रिस्क लेवल है वो क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिर ये ज्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे, ठीक है, बोलेंगे कि हमको इतना परसेंट अब डिविडेंड चाहिए, इतना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि आप ज्यादा डेट लेके आ रहे हो हमारे कंपनी में। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं होता है फ्रेंड्स, और मैंने आपको बोला फॉर्म परपेचुअल लाइफ होनी चाहिए, और साथ में यहाँ पे है डेट भी, जो डेट कैपिटल है आपका ये भी परपीचुअल होना चाहिए। परपीचुअल का मतलब है गोइंग रहना चाहिए।
आप डेट लेना बंद नहीं करोगे, क्योंकि डेट आपको पता है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फॉर्म को स्टैब्लिश करनी है या स्टैंड करना है मार्केट में. सो डेट वहां पे मेन रोल प्ले करता है क्योंकि ये बहुत चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है. बट हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि अगर आप ज्यादा डेट लेने लगोगे फॉर्म के लिए, तो उस कंडीशन पे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. फिर वो डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा डिविडेंड पे कीजिए. ठीक है, सो ये आपका क्या था फ्रेंड्स, इसके अजम्पशंस थे. नाउ अब हम इसके बात करते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म का क्या होता है. मैटर वैल्यू ऑफ फॉर्म का मतलब होता है कि अभी आपकी लेट सपोज कोई फॉर्म है, ए फॉर्म है, ये ए फॉर्म में आपने 5 लाख रुपीज जो है वो तो कर लिया डेट. ठीक है, और 2 लाख रुपीज का लेट सपोज आपने इक्विटी कर लिया. इसको डेट लिख लीजिए, इसको इक्विटी लिख लीजिए. सो अब ये सारा मिक्सअप करके आपकी ओवरऑल कॉस्ट, जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, आप पहले तो वो निकालोगे, फाइंड आउट करोगे, देन आप क्या करोगे, अपने फॉर्म की वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे कि अभी आज के टाइम पे मेरे फॉर्म की वैल्यू कितनी है. उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म. सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म का मेजर करने का फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय वैक. अब ये वैक क्या है, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम इसको बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब क्या रूल है इस वैक का, अच्छा इसका एक और फॉर्मूला है, ओके उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले इसी को बात कर लेते हैं. सो वैल्यू ऑफ फॉर्म का मैंने क्या कहा, फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे अपने फॉर्म की वैल्यू जो है आइडेंटिफाई करोगे. सो जितना भी आपका नेट इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, उसको आप डिवाइड कर दो वैक से. वैक का मतलब है वैल्यू, सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ना फ्रेंड्स, इसका भी अगेन फॉर्मूला होता है. इसी वैक को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं. ठीक है, ये वैक में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सो इसमें आपका आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग. ये सारे के सारे इसमें आते हैं. मल्टीप्लाई करके हम पहले वैक निकालते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉर्म को आइडेंटिफाई करेंगे. अच्छा, अभी हम नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं, जो कि एक इररिलेवेंट थ्योरी है. ठीक है, इररिलेवेंट थ्योरी है, यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं पे करना है आपको. बट मैंने कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है वो अफेक्ट क्या होती है, नहीं होती है. मतलब क्या है इसका, कि लेट सपोज आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर आया ना, वो कुछ आया है, बट यहाँ पे जो आपकी वैल्यू ऑफ फॉर्म है, क्या ये अफेक्ट होगी कैपिटल स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. सो एक पॉइंट यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ आपको ये वाला पॉइंट. यहाँ पे इस पॉइंट को स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म एंड कैपिटल स्ट्रक्चर बोथ आर इंडिपेंडेंट. ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. फ्रेंड्स क्यों इंडिपेंडेंट होते हैं, अभी मैंने आपको रीजन बताया कि कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. आपका केडी चाहे कितना भी बढ़े, के ही बढ़ेगा, बट वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं देखने को आपको मिलेगा. इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैल्यू ऑफ फॉर्म है, हमारे फॉर्म की वैल्यू है, प्लस जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द थ्योरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, उसे जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर आने वाला है उसके और नेट वैल्यू ऑफ फॉर्म पे, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है. बट अगर हम यही अल्टरनेटिव बात करें नेट इनकम अप्रोच वाली, जो कि हमारी एक रिलेवेंट थ्योरी थी, उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलता था. उसमें अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर हाई है तो उससे भी आपका इम्पैक्ट उसमें, क्योंकि हमने देखा था कि जैसे जैसे केडी बढ़ेगा हमारी वैल्यू ऑफ फॉर्म भी बढ़ेगी. वहां पे डायरेक्ट रिलेशन था कि आप केडी को इंक्रीज करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़ जाएगी. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपका चाहे डेट बढ़े, ठीक है, बट खाली यहाँ पे एक ही सिचुएशन क्रिएट होती है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको माइंड में रखना पड़ेगा,
कि यहाँ पे केडी जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, हमारे शेयर होल्डर्स की रिस्क का जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। एंड अगर आप एक पॉइंट छोटा सा और नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम बिजनेस रिस्क को कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो अगर आपसे इनडायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिजनेस रिस्क हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, कौन से थ्योरी में या कौन से अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर के, सो दैट इज योर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।